हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल पीवी एजुकेशन। तो सबसे पहले तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आई होप आपकी होली बहुत अच्छी आ जाए, आप अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो RS कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि CIP रूल्स जो कि हम RS कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं और वेज डैश का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्जन, ये दोनों टॉपिक पे वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लीज़ पहले वो वीडियोस देख लीजिए, फिर इस वाली वीडियो को देखिए। आपको दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर आप टॉप राइट कॉर्नर पर देखिएगा, वहाँ भी आपको सजेस्टेड वीडियोज़ में उनकी लिंक मिल जाएंगी। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वो वीडियोस देख लें। तो अब हम अपना आज का टॉपिक RS कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि RS कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें निकालना है तो R होता कब है और S होता कब है, ये बता दें। मान लीजिए कोई, पहली बात तो RS कॉन्फ़िगरेशन हम केवल और केवल किसी काइरल कार्बन के लिए ही निकाल सकते हैं। अगर हमारा कार्बन काइरल है, यानी कि उसके जो चारों वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट हैं, हम तभी RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अगर वो काइरल नहीं होता है तो RS कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पहली कंडीशन तो यही है कि काइरल कार्बन होना चाहिए हमारा। तो हम मान लें कि ये जो हमारा सेंटर है ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके एक्स हम मान लें डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसके चार तरफ ये डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जैसे हमने आपको CIP रूल्स बताए थे पिछली वीडियो में, तो सबसे पहले हमें इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर माने कि जेड का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, अगर हम अज्यूम करें कि जेड का मैक्सिमम एटॉमिक नंबर है, तो इसको हम इसका प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। उसके बाद अब हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा W है, W का सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है सेकेंड नंबर पे, तो इसकी प्रायोरिटी सेकेंड हो जाएगी। उसके बाद हम मान लें ये जो हमारा Y है, ये Y हम मान लें कि इसका थर्ड मोस्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, तो इसको हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक नंबर से। और जो लास्ट एक्स बचा है, हम अगर ये अज्यूम करें कि उसका सबसे कम एटॉमिक नंबर है इन चारों ग्रुप्स में, तो उसकी फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी। तो जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम 1 से 3 मूव करते हैं, और 1 से 3 मूव करना है, हमें फोर्थ को नहीं देखना है। फोर्थ चाहे हो चाहे ना हो, हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम मूव करेंगे 1 2 3, 1 से 2 फिर 2 से 3 साइक्लिक ऑर्डर में। तो हम 1 से 2 मूव करेंगे, उसके बाद 2 से 3 मूव करेंगे, फोर्थ अगर आता है तो हम बीच में उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे चलते हैं, अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हम इसको R कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। R अगर यही कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज आता, जैसे अगर इसकी प्रायोरिटी अब मान लें 3 हो गई और इसकी यहाँ पे 2 हो गई, तो अब जब हम मूव करेंगे तो हम कैसे करेंगे। अगर अब हमें मूव करना है तो सबसे पहले 1 से 2, तो हम 1 से 2 मूव कर रहे हैं, फिर 2 से 3, तो 2 से 3 मूव करेंगे। अब देखें तो एक ऐसा डायरेक्शन है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो ये S कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये इस तरीके से हम आर और S बताते हैं। और यहाँ पे हमें एक पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा सबसे कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, यानी कि जिसकी प्रायोरिटी 4 है, वो हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। देखिए यही, इसीलिए हमने यहाँ पे हमें इसी पहले से ही जो हमारा एक्स ग्रुप है उसको फोर्थ नंबर दिया और वो वर्टिकल पोजीशन पे है। तो ये पॉइंट हमें सबसे ज़रूरी है जो कि ध्यान रखना है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से हम जब भी RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो जो हमारा फोर्थ नंबर का ग्रुप है या जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, उसको हमेशा हमें वर्टिकल पोजीशन पर रखना है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, वो चल सकता है, लेकिन हमेशा जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो इन्हीं 2 पोजीशंस में से किसी एक पे होना चाहिए, इस पे नहीं होता है। अगर वैसा हो जाता है कि वो इस पोजीशन पे, तो वो भी हम आपको एग्जांपल्स जब करेंगे तब एक्सप्लेन कर देंगे
कि अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करके वर्टिकल पोजीशन पे लाते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आरएस कॉन्फ़िगरेशन का कि हम कैसे निकालते हैं। अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन जिससे हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन और इजीली से आसानी से और समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है। यहाँ पे हमारा ये क्रॉस वाली पोजीशन का जो एटम होगा वो कार्बन होगा, वो चार डिफरेंट ग्रुप से लिंक्ड है तो इसीलिए वो काइरल है। तो यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे प्रायोरिटी इनको असाइन करेंगे। कैसे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो हम सबसे पहले देखें ये जो NH2 ग्रुप है, यहाँ पे इस काइरल कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड एटम हमारा नाइट्रोजन है, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा बनेगा H और H। तो हम वो एटम देखते हैं जो काइरल कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड है, इसका एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे CH3 ग्रुप का जो कार्बन है ये ऐसे बनेगा, ये हमारा CH3CH2। तो इस CH3 ग्रुप का कार्बन इस काइरल कार्बन से डायरेक्टली लिंक होगा, तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया। अब हम देखते हैं इधर, इस वाले कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है, और हम देखें इधर तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो अब हम देखें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, इस नाइट्रोजन का है, यानी कि NH2 ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर है इसका। अब इसके बाद हम देखें तो इसमें और इसमें टाई हो गया। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जब ऐसा होता है तो हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला रूल लगाना पड़ता है। वो हम कैसे करते हैं, अब हम मान लें इस मिथाइल ग्रुप में तो ये वाली बॉन्ड है जो इस काइरल कार्बन से लिंक है और ये कार्बन है। अब फिर हम जब इस वाले एटम में टाई हो जाता है जो कि यहाँ पे हो रहा है दोनों कार्बन से, तो हम नेक्स्ट एटम पे मूव कर जाते हैं। हम ये देखते हैं कि जिस एटम में टाई हो रहा है वो अब आगे किन तीन एटम से लिंक है। कार्बन के केस में 3 एटम्स होंगे, बाकी अगर एटम चेंज हो जाएगा तो उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसकी बॉन्ड्स भी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन अब और 3 एटम से लिंक है वो क्या है, तीनों हाइड्रोजन है। तो हम इनके सेट बनाते हैं। अब इसी तरह अगर हम इधर देखें तो ये CH3CH2 ग्रुप था, यानी कि ये हमने गलत बना दिया था, CH2 इधर होगा और CH3 इधर होगा, ये दो तरफ से लिंक है। तो ये वाली कार्बन का बॉन्ड जो इस काइरल सेंटर से लिंक है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर और ये CH3, ये वाला ग्रुप होगा हमारा इथाइल ग्रुप। तो अब हम देखते हैं ये वाला कार्बन काइरल सेंटर से डायरेक्टली लिंक है, इसमें टाई हो रहा है। अब ये फिर से किन तीन एटम से लिंक है, हाइड्रोजन से लिंक है और कार्बन से लिंक है। तो ये किन तीन एटम से लिंक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इन दोनों सेट को हम मैच करें, पहला हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन, दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन। अब हम देखें जो आखिरी के दो ग्रुप्स बचे हैं उनमें एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, उसमें इस कार्बन का ज़्यादा है, यानी कि ये वाला हमारा इथाइल ग्रुप जीत जाएगा इन दोनों में। तो अगर हम सेकेंड प्रायोरिटी देखेंगे तो सेकेंड प्रायोरिटी इथाइल ग्रुप को मिलेगी, ऐसे हमने इसकी प्रायोरिटी असाइन कर दी। अब हम थर्ड प्रायोरिटी हमें पता है इसकी आएगी, और लास्ट जिसका एटॉमिक नंबर 1 था सबसे कम, तो इसकी फोर्थ प्रायोरिटी आ गई, ये आ गई इसकी फोर्थ प्रायोरिटी। तो ऐसे हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी है। अब हमने आपको बताया था हम 1 से 2, 2 से 3 ऐसे मूव करेंगे, और अगर हमें 4 को क्रॉस भी करना पड़े तो वो हम कर सकते हैं। और हमें ये देखना है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अब हमारा वर्टिकल पोजीशन पे है कि नहीं। तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये हाइड्रोजन है, ये वर्टिकल पोजीशन पे है, तो हाँ अब हमें कोई चेंज नहीं करना है। हम मूव करते हैं 1 से 2 और 2 से 3। तो हम देख रहे हैं ये कैसा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा इस तरीके से पहला एग्जांपल पूरा होता है। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे था तो हमने सिंपली डायरेक्शन चेक किया 1 से 2, 2 से 3, वो क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अभी हमारा सेकंड एग्जांपल है जिसमें हमें वेज डैश फार्मूला दिया। तो जब भी हमें वेज डैश फार्मूला दिया होता है सबसे पहले हमें उसे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करना होता है। तो ये इस पे वीडियो थी, हमने आपको पहले बताया था
आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम थोड़ा आपको बता देंगे। तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें ऑब्ज़र्वर को वेज और डैश के बीच में रखना होता है। तो यहाँ पे ऑब्ज़र्वर इस जगह पे होगा, वेज और डैश के बीच में होगा। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो ग्रुप हमारी तरफ आते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमसे दूर जाते हैं उनको हम वर्टिकल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऑब्ज़र्वर हमारा वेज और डैश के बीच में यहाँ पे है, तो ये ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप दोनों उसकी तरफ आ रहे हैं, तो इनको हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब ऑब्ज़र्वर यहाँ पे है तो ये ब्रोमीन ग्रुप उसके राइट साइड में होगा। राइट साइड में क्यों होगा, क्योंकि ये वाला ब्रोमीन डैश पे रिप्रेजेंट है, तो ये इस प्लेन के पीछे जा रहा होगा। अब ये जब प्लेन के पीछे जा रहा होगा, तो जब ऑब्जर्वर बीच में है तो ये उसके राइट में ही पड़ेगा, और ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है तो ये उसके लेफ्ट में पड़ेगा। तो ब्रोमीन इधर हो गया और मिथाइल ग्रुप इधर हो गया। अब हम वर्टिकल पोजीशन पे अगर देखेंगे तो ये दोनों हमारी तरफ आ रहे थे तो इनको हमने हॉरिजॉन्टल पे बनाया, ये दोनों हमसे दूर जा रहे हैं तो इनको हम वर्टिकल पे बनाएंगे। अब जब ऐसे है तो हाइड्रोजन ऊपर की साइड पड़ेगा, तो ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा और नीचे क्लोरीन आ जाएगा। तो ये इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बन गया। अब हमें प्रायोरिटी असाइन करनी है, तो हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है, तो ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। उसके बाद क्लोरीन का है, तो क्लोरीन को सेकेंड प्रायोरिटी मिल जाएगी। इस मिथाइल ग्रुप में ये कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है, और उस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो थर्ड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। ये प्रायोरिटी हमने दे दी। अब हम मूव करते हैं फर्स्ट से थर्ड की तरफ, तो 1 से 2 और 2 से 3। फिर जब हम ऐसे ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे हमें वापस आना है, तो ये डायरेक्शन हम देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये हमारा आर कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें वेज डैश में दिया था उसको हमने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट किया, हमने ऑब्जर्वर को वेज और डैश के बीच में प्लेस किया, तो ब्रोमीन जो हमारी तरफ आते हैं ग्रुप उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमीन राइट साइड में आया, मिथाइल लेफ्ट साइड में आया, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, क्लोरीन नीचे आ गया। फिर हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनकी प्रायोरिटी सेट कर दी। फिर हमने देखा कि जब हमने 1 से 2, 2 से 3 मूव किया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा था, आर आ रहा था। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए हमेशा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में, वो यहाँ पे ऑलरेडी था, तो इसीलिए वो चीज़ हमने नहीं चेक की। यहाँ पे देख लीजिए आप, फोर्थ पोजीशन जो है वो हमारी इस वर्टिकल पोजीशन पे ही है। तो इस तरीके से हमने इसका आर एस कन्फिग्रेशन निकाला और ये आया हमारा आर कन्फिग्रेशन। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये आपको सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हमें इसका वेज डैश फार्मूला दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो फिर से ऑब्जर्वर को हमें वेज और डैश के बीच में रखना है। जैसे ही हम ऑब्जर्वर को वेज और डैश के बीच में रखेंगे, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप हमारी तरफ आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप और ये हाइड्रोजन। तो ये COOH राइट साइड में हो जाएगा, ये H लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और जब हम ऊपर मार्क करेंगे, तो ऊपर ये C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप आ जाएगा, और नीचे की तरफ ये CH2OH ग्रुप आ जाएगा। ये तीन, ये हमने इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला ग्रुप CH2OH ग्रुप और ये वाला ग्रुप देखें, तो तीनों में कार्बन एटम जो है वो ही काइरल सेंटर से अटैच्ड है डायरेक्टली। इसमें भी कार्बन एटम, इसमें भी कार्बन एटम, इसमें भी कार्बन एटम। तो अब हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, फिर से हम रूल लगाएंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला। सबसे पहले हम ये सी ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप को ओपन करते हैं। ये वाली बॉन्ड काइरल कार्बन से लिंक है और ये इस तरीके से CH है। तो इसको हमने आपको ओपन करने का तरीका बताया था, ये ऐसे ओपन होगा, ये तो ऐसे ही है। अब तीन बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये वाला कार्बन इस CH से 3 बार लिंक है, ये कार्बन इस CH ग्रुप से 3 बार लिंक है। तो एक बार हमने ये लिंक कर दिया, एक बार ये लिंक कर दिया,
और एक बार ये लिंक कर दिया। ये कार्बन इस सी एच ग्रुप से 3 बार लिंक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 बार लिंक कर दिया और ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज़ लगी रही। अब इसी तरह ये वाला सी एच ग्रुप इस कार्बन से 3 बार लिंक है, जैसे इसके लिए वैसे ही इसके लिए ये सी एच ग्रुप इससे 3 बार लिंक है। तो एक तो लिंकेज हमने ऑलरेडी दिखा दिया है, हमें 2 कार्बन और लिंक करने हैं, तो ये इस तरीके से ओपन होगा। तो ये हमने ये ट्रिपल बॉन्ड को ओपन कर दिया। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप देखते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ये सिंगल बॉन्ड OH, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाली वो वाली सिग्मा बॉन्ड है जो कायरल कार्बन से डायरेक्टली लिंक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं ये वाला CH2OH, तो फिर से इन डबल बॉन्ड को ओपन करना है, तो इसका मतलब ये CHOH, ये तो ऐसे ही पहले लिख देते हैं। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 बार लिंक है, या हम ये कह दें कि ये कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 बार लिंक है, तो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 बार लिंक कर दिया हमने। ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 बार लिंक है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 बार लिंक हो गया। उसी तरह ये ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 बार लिंक है, तो एक लिंकेज हमने ऑलरेडी दिखा दी है इस कार्बन से, दूसरा बचा, तो दूसरा हम ऐसे इधर की तरफ दिखा देते हैं ये कार्बन, तो ये ऐसे हमने ओपन कर लिए दोनों। अब अगला ग्रुप है हमारा CH2OH ग्रुप, तो ये तो सिंपल है, ये C और ये H और ये OH। अब हमने कहा था जब टाई हो जाता है तो हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला रूल लगाना पड़ता है, तो हमने तीनों को ओपन कर लिया। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट करना होता है, फिर हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला रूल लगा सकते हैं। तो ये कार्बन काइरल कार्बन से डायरेक्टली लिंक है, इसमें ये वाला कार्बन काइरल कार्बन से डायरेक्टली लिंक है, इसमें ये वाला कार्बन काइरल कार्बन से डायरेक्टली लिंक है, तो इनमें टाई है। अब हम देखेंगे ये फिर किससे लिंक है, तो ये इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, ये वाला और ये वाला। तो इसका जब हम सेट बनाएंगे तो CCC 3 कार्बन का सेट बनेगा। अब जब हम इधर देखेंगे तो ये वाला कार्बन इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है और इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो जब हम इसका सेट बनाएंगे ये बनेगा ओ ओ ओ, और जब हम इसका सेट बनाएंगे तो ये इधर हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से, इधर ऑक्सीजन से, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसका सेट हो गया। अब हम इन सेट्स को कंपेयर करें, तो देखिए इसमें पहले पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाले ग्रुप में पहले तो ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि ये तो सबसे पीछे हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ये तो पहले ही हट गया, पीछे हो गया। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये ऑक्सीजन गए, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, ऑक्सीजन की, तो यानी कि ये वाला ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो गई, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। फिर उसके बाद ये वाला ग्रुप आएगा तो फिर सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, और उसके बाद हम देखेंगे तो ये कार्बन 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 वाला ग्रुप आएगा तो थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, और लास्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन की हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हमने सेट्स बनाए, उसके बाद हमने देखा तो यहाँ पे तो पहले कार्बन था, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और इन दोनों में पहले ऑक्सीजन आ रहा था, इसका 8 है, तो ये तो पहले ही हट गया ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से कम है। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और CH2OH का, तो इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहले थे वो हट गए, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला है, तो ये ग्रुप जीत गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे आ गया। फिर क्या आएगा, फिर ये वाला ग्रुप आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था और ट्रिपल बॉन्ड के केस में कार्बन था, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, यानी कि ये ग्रुप आएगा, तो सेकेंड प्रायोरिटी इसकी हो गई। फिर हम इधर देखें तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन वाला थर्ड ग्रुप हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो ये सबसे लास्ट में आ गया, तो इस तरीके से प्रायोरिटी हो गई।
तो अभी हमने यहाँ तक किया था और इस बार हमने प्रायोरिटी सेट करके हमें ये मिल चुका है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो जो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी का, वो इस केस में हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो हमने आपको कहा था कि फिशर में हमेशा ये वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए, तो ये वो केस है। अब हम आपको बताते हैं इसमें करना क्या होता है। इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, एक होता है साइक्लिक रूल, हम साइक्लिक रूल लगा के इसको वर्टिकल पोजीशन पे कर सकते हैं, और एक होता है वॉल्डन इन्वर्जन। तो जो हम करते हैं वो ज़्यादातर वॉल्डन इन्वर्जन करते हैं, तो हम आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। वॉल्डन इन्वर्जन में क्या होता है, हम कोई भी दो एडजेसेंट ग्रुप्स को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। कहने का मतलब हम इस वाले हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे क्या हम आपसे कह रहे थे कि हम कोई भी दो एडजेसेंट ग्रुप्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें करना है तो हम इस हाइड्रोजन को इस CH2OH से इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर हम इस हाइड्रोजन को इस C CCH ग्रुप से इंटरचेंज कर सकते हैं। और मतलब ये किसी भी ग्रुप के लिए अप्लीकेबल है। इसको इसको हम इससे और इससे इंटरचेंज कर सकते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम इससे और इससे इंटरचेंज कर सकते हैं, इस वाले ग्रुप को हम इससे और इससे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया हम एडजेसेंट ग्रुप से, अगल बगल के ग्रुप से इंटरचेंज कर सकते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम जब दो कॉन्जिक्यूटिव वॉल्डन इन्वर्जन लगाते हैं तो जो हमारा कन्फिग्रेशन आता है वो सेम रहता है, बदलता नहीं है। दो या फिर इवन वॉल्डन इन्वर्जन्स, अगर हम इवन वॉल्डन इन्वर्जन लगा रहे हैं तो जो हमारा कन्फिग्रेशन आना चाहिए वही रहता है, अगर हम ऑड वॉल्डन इन्वर्जन लगाते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। अगर आर आना चाहिए था तो एस आता है, एस आना चाहिए था तो आर आता है, ये जब हम ऑड लगाते हैं, इवन में वो सेम रहता है। तो हम यहाँ पे इवन यानी कि दो वॉल्डन इन्वर्जन लगाते हैं। पहले हम मान लीजिए हमने इनको इनको इंटरचेंज कर दिया और इनको इनको इंटरचेंज कर दिया। हमने आपको बताया आप इस हाइड्रोजन को इससे भी कर सकते हैं और इसी तरह इस कार्बोक्सिलिक एसिड को इससे भी कर सकते हैं, वो भी सेम सेम आपको सेम ही कन्फिग्रेशन मिलेगा। तो हमने इवन लगाए क्योंकि हमें चाहिए कि हमें सेम कन्फिग्रेशन रहे, बदले ना। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो फिर से बनेगा ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये CH2OH इधर आ जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इधर आ जाएगा, ये C CCH ग्रुप इधर आ जाएगा। तो ये हमने ये कर दिया। अब हम देखते हैं प्रायोरिटी तो वही थी, इसकी 1 थी, C CCH इसकी 3 थी, इसकी 2 थी और इसकी 4 थी। तो अब आप देख रहे हैं हमने लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल पोजीशन पे इंटरचेंज ला दिया है, यानी कि वो पहले हॉरिजॉन्टल पे थी अब वो वर्टिकल पे आ गई है। तो अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। हम मूव करते हैं 1 से 2, 2 से 3। तो हम 1 से 2 मूव किए और उसके बाद 2 से 3 मूव किए, फिर हम ऐसे इस साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, यानी कि ये आएगा हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन इस केस में। तो यहाँ हमने आपको समझाया इस एग्जांपल में, सबसे पहले हमने इसको इसमें बदला, जो हमारा वेज डैश दिया था उसको इसमें बदला, फिर हमने प्रायोरिटी आपको पहले बताई थी कि हमने कैसे इनको प्रायोरिटी के बेसिस पे अरेंज किया। और उसके बाद क्या हुआ था, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा इस बार हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आया था, तो हमने आपको कहा हम वॉल्डन इन्वर्जन लगा सकते हैं जिससे कि हम इस वाले ग्रुप को किसी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ले जा सकते हैं। और जब हम इवन वॉल्डन इन्वर्जन लगाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता है। तो हमने क्या किया, हमने इस हाइड्रोजन को इससे इंटरचेंज कर दिया और इस वाले ग्रुप को इस कार्बोक्सिलिक एसिड से इंटरचेंज कर दिया। फिर हमारा जो चेंज करके ये आया, उस अब हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे आ चुका था, तो हमने 1 से 2, 2 से 3 मूव किया। जब हमने मूव किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया, यानी कि ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हम ये एग्जांपल ओवर होता, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो अब आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें भी हमें एक वेज डैश फॉर्मूला ही दिया है, लेकिन आप जो अभी पिछले हमने जो दो एक दो या तीन एग्जांपल डिस्कस किए थे उसमें वेज के साथ ये डैश के साथ वेज भी था, लेकिन इसमें केवल और केवल वेज है और तीन
सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड, जो कि शो करती हैं कि ये तीनों इस बोर्ड के प्लेन में हैं, और डैश रिप्रेजेंट करता है कि ये हाइड्रोजन इस प्लेन से पीछे की तरफ जा रहा है, ये तीनों प्लेन में और ये प्लेन के पीछे की तरफ। तो इस बार थोड़ा सा अलग वेज डैश है, इसमें हम कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। देखिएगा हमें क्या करना है फिर से, कि जो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमसे दूर जाए, हम हमेशा यही चाहते हैं। हमने आपको बताया था कि फिशर में भी हम लीस्ट प्रायोरिटी को वर्टिकल पे रखते हैं, वर्टिकल पोजीशन भी हमें यही रिप्रेजेंट करती हैं कि वो ग्रुप हमसे दूर जा रहा है। तो हमारा बेसिक जो मतलब ऑपरेशन है वो हम यही अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दूर की तरफ जाए, वो हमेशा डैश पे रहे। तो इस केस में अगर हम देखें ये ऑलरेडी डैश पे है, तो जब ऐसा होता है कि हमें तीन सिग्मा बॉन्ड वाला ये वेज डैश फॉर्मूला दिया है और हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी पीछे की तरफ जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, डैश पे है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इन तीनों को बना लेंगे। हम इन तीनों को बनाते हैं अलग से, तो हमें इसका कुछ करना ही नहीं है। ये Cl हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, इसको हमने अलग कर लिया। जब ये पीछे की साइड है तो हमारा सबसे आसान काम है, हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रायोरिटी को डिसाइड करना है। तो यहाँ पे ब्रोमीन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला, तो इसका 1 होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तीसरे नंबर पे ये होगा, और यहाँ पे फोर्थ पे ये होता, लेकिन इस बार हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बस हमें सिंपल 1 से 3 मूव करना है। तो जैसे ही हम मूव करेंगे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, अब हम ये देख रहे हैं ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो जब ऐसे दिया है और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमसे दूर जा रहा है, तो हमें सिंपल उस वाले ग्रुप को छोड़ देना है, बाकी तीनों को हमने अलग लिख लिया। अलग लिखने के बाद उनकी प्रायोरिटी डिसाइड की, उसके बाद उसी तरह 1 से 3 मूव किया, हमने देखा ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो इस केस में ये हमारा आने वाला है एस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो उससे अलग है पिछले एग्जांपल से। पिछले एग्जांपल में क्या था, हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी हमसे दूर जा रहा था, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं जो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ पे हमें पता है वो हाइड्रोजन होगा, लेकिन इस केस में वो इन प्लेन में है, इस प्लेन के एक बॉन्ड में है, वो पीछे की साइड नहीं जा रहा है, तो ये उससे अलग है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम वही प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। क्लोरीन 1 पे आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, फिर CH3 ग्रुप का जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो वो थर्ड नंबर पे आएगा, और फोर्थ नंबर पे हमारा ये हाइड्रोजन आएगा। लेकिन इस बार हमें पता है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है इसको हमें पीछे ले जाना है। इसको हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप ये इस वाली पोजीशन पे आ जाए, इस डैश की पोजीशन पे, पीछे की तरफ। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल देंगे। हम ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा था, हम वो देखने की उसकी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। देखिए ये वेज की तरफ है, यानी कि ऑब्जर्वर कहीं यहाँ से देख रहा है, कहीं इस जगह से कहीं, क्योंकि जब वो यहाँ से देखेगा तो ये CH3 ग्रुप उसके पीछे की तरफ जाएगा, और ये फ्लोरीन हाइड्रोजन उसकी तरफ आ रहे हैं, ये पीछे की तरफ, ये वाला फ्लोरीन हाइड्रोजन आगे की तरफ। तो हमें जब हाइड्रोजन को पीछे की साइड करना है, तो हम ऑब्जर्वर को किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जिससे कि हमारा हाइड्रोजन अपने आप पीछे चला जाए। तो देखिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3 बॉन्ड्स की स्पेस है ना, हम ऑब्जर्वर को अगर यहाँ पे रख दें तो देखिए क्या होगा। जैसे ही हम ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखेंगे, ये क्लोरीन, ये CH3, ये फ्लोरीन, ये उसकी तरफ आ रहे हैं तीनों, और ये हाइड्रोजन ग्रुप अपने आप पीछे की तरफ चला जाएगा। देखिए आप, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये उसी की तरफ जाएंगे, ये हाइड्रोजन, ये भी उसी की तरफ जाएगा, ये आपको लग रहा है जब ऑब्जर्वर इधर है, तो ये तीनों उसकी तरफ जा रहे हैं और ये हाइड्रोजन उससे दूर चला जाएगा, तो ये अपने आप डैश पे चला गया, पीछे की तरफ चला गया। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको जब हम इसके ये तीनों ग्रुप अब बनाएंगे, क्योंकि अब तो ये पीछे चला गया जब हमने ऑब्जर्वर यहाँ पे रख दिया है, तो अब हम बाकी ये जो अपने 3 ग्रुप हैं इनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। जब ऑब्जर्वर इधर है तो Cl ऊपर जाएगा उसके, ये मिथाइल ग्रुप, ये क्योंकि पेज के पीछे जा रहा है तो वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऑब्जर्वर इस तरीके से है और ये वाली मिथाइल बॉन्ड ऐसे जा रही है अंदर की तरफ इस पेज के। तो देखिए जब ऐसा होगा
तो ये वाली बॉन्ड उसके राइट साइड में पड़ेगी, ये ऑब्जर्वर है और ये अंदर जा रही है, तो ये वाली बॉन्ड उसके लेफ्ट में पड़ेगी, सॉरी राइट में नहीं, तो ये मिथाइल इधर आ जाएगा, और ये जब मिथाइल इधर है फ्लोरीन इधर आ जाएगा। अब हम प्रायोरिटी सेट कर चुके हैं, ये वन है, एक मिनट, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। तो अब हम जब वन से टू मूव करेंगे, टू से थ्री मूव करेंगे, फिर थ्री से वन अगेन, तो आप इस तरीके से मूव करें, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, यानी ये क्या आने वाला है, आर कॉन्फ़िगरेशन आने वाला। तो हमें आपको एक बार फिर, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि हमने जब ऑब्जर्वर की प्लेसमेंट को चेंज कर दिया, ऑब्जर्व पॉइंट ऑफ व्यू बदला, तो हमने ऑब्जर्वर को यहाँ पे प्लेस किया, जैसे ही हमने यहाँ पे प्लेस किया तो ये क्लोरीन ग्रुप ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ जा रहा था, ये फ्लोरीन ग्रुप उसी प्लेन में था तो ये उसके राइट साइड में जाएगा, और ये जो हमारा CH3 ग्रुप था, ये हमने आपको बताया था मार्कर की हेल्प से कि अगर हमारा ऑब्जर्वर ऐसे है और ये ऐसे है, तो ऑब्जर्वर हमारा ऐसे देख रहा तो ये उसके लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, इसीलिए मिथाइल ग्रुप को हमने लेफ्ट साइड बनाया, फ्लोरीन राइट साइड में आ गया। फिर हमने वन से टू, टू से थ्री मूव किया तो ये आ रहा था एंड क्लॉक वाइज, यानी ये आर कन्फिग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एग्जाम्पल ओवर होता है। अब हम और एग्जाम्पल्स करेंगे, तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है, ये भी पिछले एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग है, आपको पता चल रहा होगा। ये भी हमारा तीन प्लेन बॉन्ड्स वाला वेज डैश फार्मूला है, लेकिन इस बार क्या है ये देखिए, ये तो प्रायोरिटी पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से थी, इस बार पता नहीं क्या होगी, अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इस बार क्या है, जैसे कि पिछली बार हमने आपको बताया था कि हमारा हाइड्रोजन एटम प्लेन वाली बॉन्ड पे था, इस बार क्या है, इस बार वो डैश वेज वाली बॉन्ड पे है, डैश वाली पे नहीं, इस बार वो वेज वाली बॉन्ड पे, यानी वो हमारी तरफ इस बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ कहीं होगा इधर की तरफ, जैसे अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो ये बॉन्ड उसके आगे की तरफ आ रही है, यहाँ है तो आगे की तरफ आ रही है। तो हम अगर ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू बदल दें, ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, तो हमारा इस बार आंसर आसानी से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, ब्रोमीन है यहाँ पे, तो ब्रोमीन की फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, फर्स्ट ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर इस OH का ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक है तो इसकी प्रायोरिटी सेकेंड हो जाएगी, मिथाइल में कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक है, थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी और फोर्थ प्रायोरिटी ये हो जाएगी। तो अब हम आपको बता रहे थे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो कार्बन है अगर हम इस बोर्ड के पीछे की तरफ से देखें, मतलब ये जो प्लेन में है, अगर हम प्लेन के उस तरफ से देखें दूसरी तरफ से, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ये उससे दूर चली जाएगी। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, अगर हम इस कार्बन के पीछे की तरफ से देखें, इस प्लेन के पीछे की तरफ से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड उससे दूर जा रही। अगर ऑब्जर्वर इस वाले प्लेन के, जैसे हम स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन, स्क्रीन के रिस्पेक्ट में ये वाली बॉन्ड वेज बॉन्ड है, वो उसकी तरफ आ रही है, लेकिन अगर हम इस प्लेन के पीछे चले जाएंगे तो ये डैश बन जाएगा, उससे दूर जाने लगेगी ये बॉन्ड। तो अब हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हम ऑब्जर्वर को पीछे की तरफ प्लेस करेंगे, जब ऑब्जर्वर पीछे होगा तो ये वाली अपने आप डैश पे आ जाएगी। तो इनमें क्या चेंज आएगा इन तीनों ग्रुप में, ये देखिएगा, अगर ऑब्जर्वर उधर से यहाँ से देख रहा है तो ये OH ग्रुप अब उसके लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि उधर से देख रहा है, जैसे कि अगर वो इधर से देख रहा था स्क्रीन की साइड से तो OH ग्रुप उसके राइट साइड में था, तो अगर वो इसके दूसरी साइड से देखेगा तो जो राइट साइड में चीज़ थी वो लेफ्ट में हो जाएगी, जो लेफ्ट में थी वो राइट में आ जाएगी। तो ये OH राइट में था, अब ये OH लेफ्ट में आ जाएगा, ये CH3 लेफ्ट में था तो ये CH3 राइट में आ जाएगा, और ब्रोमीन अभी भी ऊपर की साइड रहेगा तो ब्रोमीन ऊपर की साइड है। अब हम प्रायोरिटी देखें तो ये है वन, ये है टू और ये है थ्री, तो जब हम ऐसे मूव करेंगे वन से टू, टू से थ्री और थ्री से फिर से वन, तो ये आप देख पा रहे हैं ये एंटी क्लॉक वाइज है, अगर ये एंटी क्लॉक वाइज है तो यानी ये एस कन्फिग्रेशन होगा, तो इसका ऐसा आ गया। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, हमने फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं।
ऑब्जर्वर को हमने इस प्लेन के पीछे की तरफ रखा, हम चाहते हैं कि हमारा हाइड्रोजन हमेशा डैश पर रहे, तो उसी के लिए हमने इस बॉन्ड को डैश बनाने के लिए ऑब्जर्वर को प्लेन के पीछे कर दिया, जिससे कि ये बॉन्ड उससे दूर जाने लगी तो ये अपने आप डैश पे आ गई। अब अगर ऑब्जर्वर स्क्रीन के साइड में था, इस वाली स्क्रीन की तरफ, तो ये OH उसके राइट साइड में था, मिथाइल उसके लेफ्ट साइड में था। तो अगर हम उसका दूसरी साइड उसको भेज देते हैं इस प्लेन के, तो जो चीज़ उसके राइट में थी वो चीज़ उसके लेफ्ट में आ गई। OH राइट में था तो OH लेफ्ट में आ गया, मिथाइल लेफ्ट में था तो मिथाइल राइट में आ गया, और ब्रोमीन अभी भी ऊपर ही रहा क्योंकि उसकी पोजीशन इंटरचेंज नहीं होगी, लेफ्ट और राइट वाले बदल गए। जो ऊपर थी वो चीज़ तो चाहे हम उधर से देखें या इधर से देखें वो तो ऊपर ही रहेगी। तो इसको हमने फिर इस तरीके से बना लिया, और जब हमने देखा रोटेशन तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो अब हमारा ये अगला एग्जाम्पल है, इसमें हम देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले तो 1 क्लोरीन होगा, सॉरी 1 ब्रोमीन, सेकेंड हमारा ब्रोमीन ये क्लोरीन होगा, थर्ड फ्लोरीन होगा। अब सब नंबर्स में लिख रहे थे तो नंबर्स में ही लिखें, ये थर्ड हो जाएगा और ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आया। अब हम फिर से देख रहे हैं कि इस बार क्या हुआ, हमारा जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो फिर से इस वाली डैश पे नहीं है, तो हमें इसको डैश पे लाना होगा। डैश पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इस बार हमें क्या करना है, हम अगर हम इस वाले मिथाइल ग्रुप को इधर शिफ्ट करें तो ये वाला फ्लोरीन ग्रुप ऊपर चला जाएगा। हम इसको 120 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा। देखिए ये तीनों प्लेन में है तो इनके बीच का एंगल 120 है, तो हम जब इसको 120 रोटेट करेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, उसके बाद 120 रोटेट करेंगे तो ये वाला इधर चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको इस पोजीशन पे ले आते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है। तो जब हम इसको इस पोजीशन पे ले आएंगे तो देखिएगा क्या होगा, हमने इसको 120 रोटेट किया, उसके बाद 120 फिर रोटेट किया, तो जब हम इसको 120 रोटेट करेंगे तो ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा, तो उसके बाद 120 फिर से रोटेट करना है, तो 120 120 ये मिथाइल यहाँ पहुँच गया, फिर 120 आप क्लोरीन का देख रहे हैं तो 120 120 ये क्लोरीन यहाँ आ गया, और ये 120 120 ये ब्रोमीन यहाँ आ गया, ये फ्लोरीन अभी भी ऐसा ही है। अब देखिए अब हम फिर से, हमें लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा ये है, हम अगर ऑब्जर्वर को यहाँ पे रख दें, ऑब्जर्वर हमारा इस जगह पे है तो क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है तो ये वाला ग्रुप अपने आप उससे दूर जाने लगेगा। तो हम देखते हैं तो ये अब ऐसा बनेगा, ब्रोमीन ऊपर रहेगा, अगर ऑब्जर्वर इधर है तो फिर से देखिए ऑब्जर्वर ऐसा है, ऑब्जर्वर ऐसा है और ये फ्लोरीन ग्रुप ऐसा है, ऐसा पीछे की तरफ। तो जब ऑब्जर्वर ऐसा है और ये फ्लोरीन ग्रुप तो उसके लेफ्ट में आएगा, ये देखिए ऑब्जर्वर बीच में, एक बॉन्ड प्लेन की है और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रही है जो, तो अगर ऑब्जर्वर ऐसे देखेगा तो ये उसके लेफ्ट में पड़ रही है, यानी कि फ्लोरीन उसके लेफ्ट में, क्लोरीन उसके राइट में। अब हम देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, तो जब हम इसका प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो ये क्या आएगा, 1 हमारा ब्रोमीन हो जाएगा, सेकेंड क्लोरीन हो जाएगा, थर्ड फ्लोरीन हो जाएगा। अब जब हम मूव करेंगे तो 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 1, तो जब हम ऐसे चल रहे हैं ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, यानी कि ये R हो जाएगा, तो इस बार आर कॉन्फ़िगरेशन आया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमने आपको ट्राई किया कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा पाएँ। ये जो 3 बॉन्ड्स वाला है इनका कोई फिक्स्ड रूल नहीं, आप देख पा रहे हैं, हमें बस ऑब्जर्वर की पोजीशन को ऐसी जगह पर रखना होता है जिससे हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस डैश पोजीशन पे आ जाए। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है जो हम आपको बता सकते हैं कि हर बार ये कर लो और आंसर सही आ जाएगा, जैसे हम रोटेशन करके देख रहे हैं आपको वही करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस करेंगे आपको ये चीज़ें आसानी से फिर समझ में आ जाएंगी, आप बस इनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो ये वीडियो इन्हीं कुछ एग्जांपल्स के साथ ओवर होती है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ राइट हैंड साइड पे एक बेल आइकन भी होगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगर चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे थे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन, एंड आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक बार फिर से हैप्पी होली टू एवरीवन जो लोग भी ये वीडियो देख रहे थे एक बार फिर। सो अगेन, बाय एवरीवन।